शेख, मेरा सवाल है कि कोई औरत नमाज पढ़ रही है या कोई आदमी नमाज पढ़ रहा है, तो उसके सामने से अगर औरत नमाज पढ़ रही है तो किसी आदमी का या औरत का गुजर जाना, या कोई सामने लेटा हुआ है, या कोई जानवर बकरी है या बिल्ली वगैरह बैठी है, या कोई आदमी नमाज पढ़ रहा है तो उसके सामने औरत या किसी का गुजर जाना आदमी का, और या कोई जानवर लेटा, इसके बारे में थोड़ा वाजे कर दीजिए। अगर सुतरा नहीं रखा है तब की बात कर रहा हूं मैं। भाई का सवाल एक तो सूत्रे से मुताल्लिक है, दूसरा नमाजी के सामने से गुजरने से मुताल्लिक, और दो मसले को इन्होंने आपस में मिला दिया है। दोनों मसले को हम अलग अलग समझते हैं। एक मसला तो है नमाजी का अपने आगे सूत्रा रखना जी। तो नमाजी का अपने आगे सूत्रा रखना ये सुन्नत है, चाहे आप तन्हा नमाज पढ़ रहे हो या आप किसी की इमामत करा रहे हो। अगर जमात की नमाज हो रही है तो इमाम के लिए सूत्रा रखना मुस्ताब है, मुक्तदियों के लिए नहीं, इमाम के लिए जी। और अगर आप तन्हा नमाज पढ़ रहे हैं चाहे सुन्नत या नफिल, तो आपके लिए अपने सामने सूत्रा रख करके नमाज पढ़ना ये सुन्नत है। और सूत्रा जो है जहां आप सजदा कर रहे हैं, सजदे की जगह से तकरीबन एक डेढ़ फीट छोड़ करके, एक हदीस के अंदर है एक बकरी गुजरने की जगह, तो आप एक फीट डेढ़ फीट सवा फीट मान लीजिए उतनी जगह छोड़ करके कोई चीज वहां पे रखें और उसके पीछे नमाज पढ़ें। अब जब आप सूत्रा रख करके नमाज पढ़ रहे हैं तो सूत्रे के पीछे से कोई भी गुजर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सूत्रे के पीछे से यानी मगरिब के सिम से सूत्रे के पीछे कोई भी गुजरे और आपके और सूत्रे के दरमियान से किसी के लिए गुजरना जायज नहीं है, यानी आपके और सूत्रे के दरमियान से अगर कोई गुजर रहा है तो जायज नहीं है। अगर वो ऐसा कर रहा है तो आप उसे मना करें, रोके, नमाज में ही उसे हाथ से रोकें। अगर वो नहीं मान रहा है तो उसे लड़ाई करके चाहे रोकनी पड़े, जैसा कि हदीस के अंदर आया है कि उससे झगड़ करके जबरदस्ती रोकना पड़े तो आप उसे रोकें। तो ये सूरत हुई जब आप सूत्रा रख करके नमाज पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप सूत्रा रख करके नमाज नहीं पढ़ रहे हैं तो जहां पे आप सजदा कर रहे हैं उस जगह तक किसी का गुजरना ये जायज नहीं है, लेकिन सजदे की जगह छोड़ करके उसके पीछे से गुजरना किसी के लिए भी जायज है। इस मसले में लोगों के यहां बहुत कंफ्यूजन है अर्शद भाई जी, कि जब सूत्रा आदमी नहीं रखा हुआ है तो उसके सामने से कहां से गुजर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है उसमें बैना यदैहे के अल्फाज हैं, यानी मुसल्ली के नमाजी के सामने से। तो भाई जब नमाजी के सामने से गुजरने से मना किया गया है तो सामने की कोई तहदीद होनी चाहिए ना। सामने तो एक मीटर भी सामने है, दस मीटर भी सामने है, और मेहराब के पास अगर कोई गुजर रहा है और बिल्कुल आखिरी मस्जिद में कोई नमाज पढ़ रहा तो भी सामने है, तो सामने की कोई हद होनी चाहिए। इस हद बंदी के लिए कोई सरी हदीस वारिद नहीं हुई है, लेकिन शरीयत का एक कायदा है कि जब आप नमाज पढ़ते हैं तो जितनी दूर में आप नमाज पढ़ रहे हैं जितनी जगह में, उतनी जगह पर आपका इस्तेहकाक है जब तक आप नमाज पढ़ रहे हैं, उतनी जगह गोया कि उस वक्त तक के लिए आपके लिए फिक्स है। अब उतनी जगह आपका हक है, उसमें से कोई नहीं गुजर सकता, उसके पीछे से कोई गुजर सकता है। सही बात यह है। सूत्रा जो है आप किसी लकड़ी का रख सकते हैं, किसी पत्थर का रख सकते हैं, कोई भी चीज जो कोई ऑब्जेक्ट सूत्रे की शक्ल में आप सामने रख सकते हैं, यहां तक कि कोई दीवार आपके सामने है, कोई खंबा है, उसको भी आप सूत्रा बना सकते हैं। यहां तक कि अगर आपके सामने कोई जानवर बैठा है तो उसको भी आप सूत्रा बना सकते हैं, जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंट के पीछे नमाज पढ़ा, ऊंट सामने है उसको सूत्रा बना करके आपने नमाज पढ़ा। यहां तक कि अगर आपके सामने कोई इंसान बैठा हुआ है तो उसको भी सूत्रा बना करके आप नमाज पढ़ सकते हैं, जैसा कि बात सहाबे कराम से वारिद है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो के सिलसिले में आता है कि एक आदमी किसी के पीछे नमाज पढ़ रहा था, अब वो जो आगे बैठा हुआ है उठ करके जाने लगा तो उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो ने उससे कहा कि थोड़ा सबर करो, थोड़ी देर बैठे रहो, वो नमाज से फारिग हो जाए तब जाओ।
तो किसी आदमी, ऐसा आदमी जो बैठा हुआ है उसके पीछे, उसको भी बतौर सुतरा आप बना करके नमाज पढ़ सकते हैं। अब दूसरे सवाल पर आते हैं। दूसरा सवाल यह है कि कोई आदमी या कोई औरत या कोई जानवर नमाजी के सामने बैठा हुआ है तो उसका नमाज पढ़ना कैसा है? देखिए, मना जो है वो गुजरने से है, गुजरना अलग चीज है, बैठना अलग चीज है। अगर कोई बैठा हुआ है तो बाकायदा आपका सुतरा है वो, उसके लिए, सामने वाले के लिए गुजरना जायज नहीं है। बैठना, लेटना ये मना नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आप कयामुल लैल में रात में जब नमाज पढ़ते थे, आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा का बयान है कि मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लेटी होती थी, यहां तक कि जब आपको सजदा करना होता तो मुझे वो हाथ से इशारा करते या हाथ से कचोका लगाते, मैं अपना पांव समेट लेती, फिर आप सजदा करते, इतना वो करीब लेटी रहती थी। तो अगर कोई सामने लेटा हुआ है तो ये मना नहीं है, सामने बैठा हुआ है ये मना नहीं है, या सामने खड़ा हुआ है तो ये मना नहीं है, चाहे वो कोई इंसान है या कोई जानवर है। जो मना है, जो चीज, वो गुजरना है। गुजरना अलग चीज है, वहां पर बैठे रहना, ठहरे रहना ये अलग चीज है। गुजरना मना है, ठहरे रहना ये मना नहीं है, बल्कि ठहरे रहने में फायदा है नमाज पढ़ने वाले का कि आप उसके लिए सुथरा हैं।